एक समय था जब चॉक और स्लेट का इस्तेमाल किया जाता था और फिर पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल होने लगा, और हो सकता है आगे चल के इस टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है अल्ट्रा थिन एलसीडी राइटिंग टैबलेट जो आप खरीद सकते हैं तकरीबन $17 में, जो आपको पड़ेगा 1,100 रुपये के आसपास। ये है इसका बॉक्स पैक और चलिए इस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर जो डिटेल्स है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये अल्ट्रा थिन टैबलेट, साथ में ये पेन भी मिलता है और एक एक्स्ट्रा पेन भी मिलता है। इस पेन के ज़रिए आप इस टैबलेट पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस अल्ट्रा थिन एलसीडी राइटिंग टैबलेट के साथ में आपको एक पाउच भी मिलता है। जब कभी आपको इस टैबलेट को स्टोर करना है तो इस पाउच में आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस राइटिंग टैबलेट का मॉडल नंबर है HSP85 और ये 8.5 इंच स्क्रीन के साथ में आता है। ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अगर वेट की बात करें तो ये है 110 ग्राम, और थिकनेस की बात करें तो थिकनेस है सिर्फ 4.5 mm, तो काफ़ी स्लिम है ये और काफ़ी लाइट वेट भी। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पर ये पेन अटैचमेंट के साथ में आया हुआ है। इसे निकालने के लिए इस तरीके से आप इसे खोल दीजिए और पेन को बाहर निकाल दीजिए। डालने के लिए जो नोक है उसे पहले अंदर डालिए और इस तरीके से यहाँ पर इसे लाकर दबा दीजिए, तो इस तरीके से ये पेन लॉक हो जाएगा। इस राइटिंग टैबलेट के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पेन भी मिलता है, तो बेहतर होगा कि आप उस पेन का पहले इस्तेमाल करें। तो राइटिंग के लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नाखून से भी लिख सकते हैं और कोई भी अन्य शार्प ऑब्जेक्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो पेन दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करें। ये जो बटन है यहाँ पे, इसे आपको प्रेस करना पड़ेगा जो भी आपने लिखा हुआ है उसे मिटाने के लिए, तो वो इरेज बटन है। तो इस पेन के साथ में आप इस राइटिंग टैबलेट पर कुछ भी लिख सकते हैं और ये बटन प्रेस कीजिए इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो आमतौर पर पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल करते हैं रफ वर्क के लिए। तो अगर ये एलसीडी राइटिंग पैड का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पेपर की काफ़ी बचत हो जाएगी। मैं इस राइटिंग पैड पर लिख रहा हूँ और जो लिखने का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है जैसा कि मैं एक पेपर पे लिख रहा हूँ। तो ऐसा कोई आपको कोई अलग सा फीलिंग नहीं आएगा जब आप इस राइटिंग टैबलेट पर लिखेंगे, एकदम पेपर पर लिखने जैसा एक्सपीरियंस है। एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि मैं अपना हाथ इस स्क्रीन पर रख रहा हूँ, लेकिन हाथ का कोई भी इम्प्रेशन इसके ऊपर नहीं आया हुआ है। तो जो भी मैं इस पेन के ज़रिए लिख रहा हूँ सिर्फ वही मार्किंग इस पर दिख रहा है, मेरे हाथ का इम्प्रेशन इस पर नहीं आ रहा है। तो आपको एक नोकीला ऑब्जेक्ट ही चाहिए जिसके ज़रिए ही आप इस पर लिख पाएंगे। अगर आप उंगली का भी इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से तो इस पर कोई इम्प्रेशन नहीं आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ पेन से ही चलता है ये, उंगली का इम्प्रेशन इस पर नहीं आने वाला है। और मान लीजिए ये पेन खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप दूसरा कोई भी इस तरीके का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट का स्क्रीन काले रंग का है और इसके ऊपर आप जो भी लिखते हैं वो हल्का हरा लाइट ग्रीन कलर का आता है। इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई है और ये मैग्नेटिक भी है, आप इसे फ्रिज पर भी चिपका सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रे है जिसे आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। यहाँ पर इसे आप प्रेस कीजिए और इसे बाहर निकाल दीजिए। इस ट्रे में एक्चुअली एक बैटरी है, आप देख सकते हैं ये बैटरी है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको इसी तरीके से इसे अंदर भी डालना है, तो इस बैटरी को मैं साइड में रख देता हूँ। जी हाँ, इस टैबलेट को ऑपरेट करने के लिए इस बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इस टैबलेट पर कुछ लिख रहा हूँ और मैंने इसमें बैटरी नहीं डाली हुई है। तो बैटरी का काम क्या है? जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि बैटरी का काम है इस टैबलेट पर जो भी आपने लिखा हुआ है उसको इरेज करना। और जबकि मैंने बैटरी निकाल दी है इसलिए जो भी कॉन्टेंट्स इस टैबलेट पर है उसे मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बैटरी को फिर से इसके अंदर डाल दूँगा और ध्यान दीजिए कि इस तरीके से बैटरी को इसके अंदर डालना है। और एक बार इसे मैं अंदर डाल दूंगा इस तरीके से, लॉक कर दीजिए इसे, प्रेस कर दीजिए पूरा अंदर तक। और बाद में मैं
इस बटन का उपयोग कर पाऊंगा, डिलीट बटन का। देखिए किस तरीके से कंटेंट्स डिलीट हो गए हैं। क्योंकि ये सेल जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ डिलीट करने के टाइम ही होता है, तो ये जो सेल की जो लाइफ है आपको तकरीबन 2 साल तक आराम से निकल जाएगी। तो ये LCD राइटिंग टैबलेट का इस्तेमाल आप काफ़ी जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको कुछ नोट्स लिखना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ मेमोज के लिए, या इस पर आप कुछ रिमाइंडर लिख दीजिए और इसे आपके फ्रिज के ऊपर चिपका दीजिए। और बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर का उपयोग कम कर सकते हैं। इस अल्ट्रा थिन 8.5 इंच LCD राइटिंग टैबलेट को आप banggood.com वेबसाइट से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत है $17, जो पड़ेगा आपको तकरीबन 1,100 रुपये के आसपास, और इस पर आपको कोई कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगने वाली है। इस राइटिंग टैबलेट को आप कहां से खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए आपको ये टैबलेट कैसे लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।